बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो पीपल्स पार्टी ने जिमनी इलेक्शन NA-133 के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा शुरू किया हुआ है, मैं इसकी पुरजोर मुजम्मत करना चाहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि पीपल्स पार्टी की क्यादत इस मकरू धंधे का नोटिस लेगी और उसको फौरी तौर पर रोका जाएगा। जो जवाबी तौर के ऊपर इन्होंने एक जाली वीडियो जिसके अंदर सारे किरदारों के मुंह के ऊपर मास्क है, इन्होंने वो जो कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की है, लाहौर की अवाम उसको रद्द करती है। लाहौर की अवाम और खसूसन NA-133 की अवाम ये जानती है कि ये वो हलका है जो मुशर्रफ की आमरियत के अंदर भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनके मकसद के अंदर साबिक कदम रहा। इसके अलावा 2018 के इलेक्शन के अंदर मलिक परवेज साहब यहां से 90,000 वोटों से कामयाब हुए और जो हमारे मदे मुकाबले पीपल्स पार्टी आज ये मकरू धंधा कर रही है, इनके वोटों का हिस्सा उसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। तो इनको अपने रवैयों को देखने की जरूरत है और जो ये जवाबी तौर के ऊपर अपनी कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बजाय बिलावल जरदारी साहब को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और इस धंधे को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। और शुरू में ये छुप छुप के काम हो रहा था और अब ये जो कितारें इनके दफ्तरों के बाहर लगी हुई है, इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के आगे भी हम एजिटेट करेंगे, वो भी इसका भरपूर नोटिस लेंगे। आरओ के आगे कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है, पर मैं कोशिश ये करूंगा, गुजारिश ये करूंगा कि जिन रिवायात की उनकी जो किरदार की जो उनकी वालदा ने सियासत का आगाज किया था, आए उसको देखें। मैं हल्फन कहता हूं कि हमारी तरफ से ना कुछ ऐसे काम की जरूरत है, ना हमने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए कभी इस किस्म का धंधा किया है। तो गुजारिश यह है कि लाहौर की अवाम इस चीज को रद्द भी करेगी और इंशाल्लाह 5 दिसंबर को भरपूर अंदाज के अंदर जोक दर जोक बाहर निकल के बेगम शाइस्ता परवेज जो मियां नवाज शरीफ की एक वर्कर है उसको शेर पर मोहर लगाकर कामयाब करेगी। बहुत शुक्रिया।